गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताता हूँ, हमने जो पम्पकिन हलवा कद्दू जिसे बोलते हैं या सीताफल, वो हमने जो अपने गार्डन से तोड़े हैं, जैसे मैं पिछले साल भी बताता रहा हूँ। तो ये देखो इनका साइज़, ये लगभग 2 केजी का है और ये भी इतना ही 2 केजी के करीब है। तो हमने जो डे टाइम इसकी जो एक और था ऐसा ही पम्पकिन, उसकी हमने ये जो है बर्फी बनाई थी, ये भी बहुत टेस्टी है। और इसके उसके हमने जो है सीड बीज जो है निकाल के रख लिए थे, जिसको हम अभी हम उसका जो है स्नैक्स बनाएंगे। तो ये जो है हलवा कद्दू पम्पकिन, इसका जो है सब्जी बन, इसके कई यूज़ हैं, सब्जी भी बनती है, इसको हम अचार भी डाल सकते हैं, इसकी हम बर्फी भी जैसे बनाई है। तो ये हमने जो मॉर्निंग में, तो इसमें बहुत सारी जो है छोटी छोटी जो है सीजन की जो बीमारीज लगती हैं उससे हम जाते हैं, तो इसको हम बताते हैं इसको कैसे हम इसका जो स्नैक कैसे तैयार करेंगे स्वादिष्ट, और उसको फिर हम आपको बताते हैं कैसे बना उसको क्या टेस्ट है। ये सीड से निकाल रखे मैंने, 2 प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, देगी मिर्च और चाट मसाला, और तिल थोड़े से डालेंगे इसमें, और देसी घी का हम तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा हम कड़ी पत्ते भी डालेंगे तड़के में। देसी घी ले लिया, गर्म हो गया, अब इसको हम इसमें गर्म करेंगे। ये जो है ब्राउन हो गया, ये हमें ज़्यादा पक्के नहीं लेने चाहिए, कच्चे कच्चे बीज होने चाहिए। देखो अब इनने अपनी ले लिया कलर, पक गए का मतलब। इसके बाद हम थोड़ा सा एक कड़ी पत्ते 2-4 रखते हैं, ये डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, प्याज अपनी मर्जी है आप कैसा काटना है, और पतला पतला होना चाहिए, लंबा काट लो चाहे छोटा काट लो। इसको देखो अब हम जो टमाटर काट रखे हैं उनको डालेंगे, वो थोड़े से लाइट ब्राउन हुए थे हमारे, अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए, और प्याज थोड़े थोड़े भुज गए हैं अपना, जैसे हमारे को टेस्ट चाहिए वो हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हम थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, ये भी अपना कैसे खाते हैं तीखी खा लो, और गरम मसाला, और अब थोड़ी सी कलर के लिए हम देगी मिर्च भी डालेंगे। अब हमारे पास थोड़े से तिल हैं, ये थोड़े से हल्के, ज़्यादा नहीं डालने हमने, 1/2 स्पून ये डाल लिया। उसके बाद हम इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, और इसको मैश करेंगे। देखो अब कितना अच्छा हमारा, अब इसके में हमारे पास जेकर नमकीन हो, भुजिया वगैरह वो भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, जो है हमारा स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। एक बात और बता दूं, ये जो इसके बीज है ना, जैसे हम तरबूज के, खरबूज के या और चीज़ों के मगज खाते हैं, इसके सभी से ज़्यादा जो है पौष्टिक हैं, सभी से ज़्यादा प्रोटीन से रिच हैं। तो ये जो है, क्योंकि इसकी तसीर जो ठंडी है और गर्मियों में खाने इस सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। और मैं आपको अंत में बेनती करता हूँ, जिसने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, अगर आपको ये जो है डिश अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करे, और बेल बटन दबा के दबाएँ, ताकि आपको हमारी आगे से भी जो वीडियो है निर्विघ्न मिलती रहे। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।